आज गोविंदनगर रेलवे ओवर ब्रिज को लेकर गोविंदनगर वासियों ने अनिल कुमार शर्मा व सौरभ ठाकुर के नेतृत्व में डीएम महोदय को पुल को जल्द से जल्द शुरू कराने को लेकर ज्ञापन दिया। साथ ही ये अनुरोध भी किया कि अगर संभव हो तो दिवाली से पहले इसे शुरू किया जाए। सौरभ ठाकुर ने बताया कि गोविंदनगर रेलवे पुल कई महीनों से बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक इसे चालू नहीं किया गया है। अब तक लगभग 200 निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। गोविंदनगर वासियों के काफी संघर्ष और आंदोलनों के बाद ओवरब्रिज तैयार भी हुआ, लेकिन सिस्टम की लापरवाही अभी भी इसे चालू नहीं होने दे रही है, जिसे लेकर गोविंदनगर वासियों में रोष है। अगर जल्द इसे शुरू नहीं किया गया तो सौरभ ठाकुर ने भूख हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी है। अनिल शर्मा जी ने मुहावरे के साथ अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि तैयार पुल भोजन से भरी हुई थाली के समान हम गोविंदनगर वासियों के सामने तो रखी है, लेकिन उसका स्वाद नहीं चख सकते। साथ में मौजूद रहे महेश ठाकुर, अंकुर चौहान, सुमित सिंह चौहान, विशाल ठाकुर, विवेक कुमार, विनोद गुम्बर, डॉक्टर राजेश सिंह इत्यादि। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर सौरभ सिंह है। सौरभ जी, आज जिला कलेक्ट्रेट आए कि मांगों को लेकर आए, क्या समस्या है? हमारे गोविंदनगर की जो सबसे बड़ी समस्या है, आप लोगों को ज्ञात है, जो रेलवे का ओवर ब्रिज है, जहाँ कम से कम 200 लोगों की जानें जा चुकी हैं पुल ना बनने की वजह से। जैसे तैसे गोविंदनगर वासियों ने संघर्ष किया, काफ़ी लोगों से मांगे करी, सरकार से मांगे करी, अब जैसे तैसे पुल का निर्माण हुआ है, तैयार हुआ है, तो उसे अब खोला नहीं जा रहा है। पब्लिक आज भी, अब पुल बनने के बावजूद भी पब्लिक जो है वहाँ की रेलवे लाइन क्रॉस करती है, सुबह सुबह बच्चे निकलते हैं, कारोबार के लिए लोग निकलते हैं, त्यौहार पास में है, भीड़ है, मेला लगता है, किसी की जान अभी भी जा सकती है, लेकिन सिस्टम जो है अभी भी उसका उद्घाटन करने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों लोगों ने वहाँ पे जबरदस्ती जाना आना शुरू कर दिया था, दोबारा आई वहाँ पे सिस्टम आया, उसने बोला कि भई इसमें कुछ काम रह गया, 15 दिन और चाहिए, वो 15 दिन क्या 2 महीने निकल गए हैं, बैरियर लगा दिया गया है। हमारी ये मांग है, इस ज्ञापन के माध्यम से हम सारे लोग गोविंदनगर वासी के लोग खड़े हैं, हम ये मांग करना चाहते हैं कि जब पुल का निर्माण हो चुका है तो इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से इसको चालू किया जाए, जिससे कि आवाजाही सकुशल रूप से चालू हो पाए। गोविंदनगर वासियों के लिए स्थिति ये है कि जैसे भूखे को, जो इंसान भूखा हो कई साल से, उसके सामने अगर थाली रख दी जाए खाने की, तो उसको कितनी उत्साहित महसूस करेगा कि आज मेरे सामने रोटी आ गई। थाली रख दी है उन्होंने, मतलब पुल के रूप में उन्होंने गोविंदनगर वासियों के सामने थाली तो रख दी, मगर उसको थाली को बार बार खींच रहे हैं कि तुम्हें अभी अभी नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे। ये हाल है यहाँ के प्रशासन का और शासन का।